दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने पुराने सिक्के को कहाँ और कैसे बेचें। मेरे पास बहुत तरह के सिक्के होते हैं जिनको हम मतलब आप बेचना चाहते हैं, लेकिन आपको प्लेटफॉर्म ही पता नहीं है कि हमें बेचना कहाँ है और किस तरह के सिक्के बिकते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉइन के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए कि कौन से सिक्के बिकते हैं। सभी पुराने सिक्के नहीं बिकते हैं। सबसे पहले आपको सिक्के को मिंट वाइज और रेयर स्केयर है भी इसकी जानकारी होनी चाहिए और उसके बाद ही आप सिक्के बेच सकते हैं। सिक्के बेचने का सबसे अच्छा जगह कॉइन एग्जीबिशन होता है, क्योंकि कॉइन एग्जीबिशन में कलेक्टर भी आते हैं। आप जो सिक्के बेचना चाहते हैं उसे दो ही आदमी खरीदेंगे, या तो डीलर खरीद सकते हैं या फिर जो सिक्कों का संग्रह करते हैं कलेक्टर, वे खरीद सकते हैं। और आजकल एक तीसरे तरह के भी लोग हैं जो सिक्कों का संग्रह करते हैं, यानी वे एक तरह के इन्वेस्टर हैं जो आपके सिक्कों को खरीद सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि सिक्कों की पहचान आप कैसे करेंगे। कोई भी पुराना सिक्का किसी भी एग्जीबिशन में झोला भर के लेके जाएंगे नहीं बिकेगा। जैसे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का 2 रुपए का कॉइन है। तो आपको जानना होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जितने भी कॉइन इशू किए गए हैं वे 4 मिनट से इशू किए गए हैं, लेकिन 4 मिनट में सबसे जो स्केयर के कैटेगरी में अभी चल रहा है वह नोएडा मिंट का कॉइन है। तो आपको सबसे पहले आपको मिंट मार्क पहचानना होगा, उसके बाद कॉइन का कंडीशन देखना होगा। एक ही कॉइन का कभी कभी प्राइस 500 होता है और उसी कॉइन का प्राइस 2000 भी होता है। तो आपको यह समझने की ज़रूरत है कि कैसी कॉइन का कंडीशन 500 होता है और कौन सी कॉइन का कंडीशन किस तरह का कंडीशन रहेगा कि इसका वैल्यू 2000 रुपये होगा। अगर यह आपके समझ में होगा तभी आप कॉइन बेच सकते हैं, अन्यथा आप अपना कॉइन नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि आपकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है और उतना रियल में प्राइस होता नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक अन्य कॉइन छत्रपति शिवाजी महाराज का दिखला रहा हूँ। यह कॉइन भी भारत के चारों मिंट से बना है, लेकिन इसमें से छत्रपति शिवाजी का किस मिंट का कॉइन बिकता है यह जानकारी आपको होना चाहिए, तभी आप कॉइन बेच सकते हैं। और अब इन चारों मिंटों में से किस मिंट का रेयर या स्केयर है इसकी जानकारी होना चाहिए, कॉइन का कंडीशन कैसा है यह होना चाहिए, और इसका प्राइस आजकल क्या चल रहा है, कितना प्राइस हमें मिल सकता है यह जानकारी होना चाहिए। जो भी कॉइन खरीदेगा वह आपको आपके अनुरूप दे भी सकता है। यदि आप अच्छा से कॉइन का प्राइस जानते हो तो आप डील कर सकते हैं। अगर कॉइन का प्राइस आपको जानकारी नहीं है तो आप डील भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह ऑफर कुछ करेगा और आपका डिमांड कुछ रहेगा। इस तरह से आप नहीं बेच सकते हैं। बेचने का सबसे
अच्छा तरीका है। अगर नहीं जानते हो तो आप क्वाइन एग्जीबिशन में लेकर के कुछ क्वाइन जाएं और छांट करके ही जाएं जो बिकने योग्य है, अन्यथा आपका क्वाइन कोई छांट करके लेगा नहीं। नीचे लिंक मैं दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी क्वाइन एग्जीबिशन लगने वाले हैं उसकी बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्वाइन एग्जीबिशन का लिंक है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं और अपने क्वाइन को बेच सकते हैं। थैंक यू। जानकारी अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें।